प्रदेश में बिजली की मांग, उपलब्धता और आपूर्ति की समीक्षा के लिए आज विद्युत भवन में एनर्जी असेसमेंट कमेटी की हाई लेवल बैठक हुई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉक्टर सुबोध अग्रवाल ने बैठक की अध्यक्षता करी है और इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली की रियल टाइम मांग, उपलब्धता और आपूर्ति के रियलिस्टिक आकलन के लिए राष्ट्रीय स्तर की प्रोफेशनल एजेंसी की सेवाएं लेने की संभावनाओं को तलाशा जाएगा। इसी पर ये रिपोर्ट। ACS एनर्जी डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई अहम बैठक में बिजली खरीद व्यवस्था को व्यवहारिक बनाने पर मंथन हुआ। सुबोध अग्रवाल ने बताया कि 2022-2023 के आखिर तक बिजली की मांग बढ़ेगी। इस वक्त प्रदेश के 15 जिलों में काश्तकारों को दिन में 2 ब्लॉक में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। वहीं जैसलमेर के कुछ हिस्सों में काश्तकारों को दिन में बिजली उपलब्ध होने लगी है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि काश्तकारों को दिन में बिजली वितरित कराने और बिजली की मांग बढ़ने से एक आकलन के मुताबिक 2022-2023 में पीक आवर में बिजली की मांग बढ़कर 17,757 मेगावाट हो जाएगी, जबकि इस समय पीक आवर में औसत मांग 15,800 मेगावाट के करीब है। उन्होंने बताया कि बिजली की भावी मांग के अनुसार प्रदेश में विद्युत उत्पादन की रणनीति भी तैयार की जा रही है। इसके लिए थर्मल, सोलर, विंड, बायोमास, हाइड्रो सहित सभी संभावित क्षेत्रों में वर्तमान उत्पादन क्षमता और उत्पादन क्षमता बढ़ाने की संभावनाओं का भी आकलन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सोलर, बायोमास और हाइड्रो परियोजनाओं में निवेश बढ़ाने की कोशिशें की जा रही हैं। राजस्थान डिस्कॉम की एनर्जी असेसमेंट कमेटी की बैठक में ACS डॉक्टर अग्रवाल ने सभी अधिकारियों को दिए निर्देश, जन अभाव अभियोगों का समय पर निस्तारण करने और CMIS के मामलों के निस्तारण का निर्देश। बैठक में RVUNL के CMD RK शर्मा ने दी जानकारी, तापीय विद्युत तापग्रहों से हो रहा रिकॉर्ड विद्युत उत्पादन, करीब 7,000 मेगावाट बिजली का किया जा रहा उत्पादन। जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक नवीन अरोड़ा ने दी जानकारी, डिस्कॉम का शिकायत निवारण तंत्र पूरी तरह पारदर्शी, बिजली संबंधी शिकायतों का त्वरित निस्तारण होता है। इस अहम बैठक में अजमेर डिस्कॉम MD VS भाटी, जोधपुर डिस्कॉम MD अविनाश सिंघवी भी वर्चुअली जुड़े। विकास शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।